सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम बैक विद अ न्यू गेम प्ले वीडियो और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 1। तो गाइस अभी फिलहाल में यार हम लोग प्ले पे क्लिक करते हैं। वैसे यार मैं जो है ना फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि हम लोग इस गेम के अंदर क्या कर पाएंगे। या तो भाई मैं एस्केप करके ईजिली निकल जाऊंगा, बाकी देखते हैं यार क्या होने वाला है। तो गाइस डिफिकल्टी पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग इसे ईजी सिलेक्ट करते हैं। एक्सट्रीम पर तो भाई मैं बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। हाँ अगर हम लोग आगे खेलते रहेंगे तो भाई एक्सट्रीम भी खेलने की कोशिश करेंगे। तो गाइस क्वालिटी मैंने हाई कर दी है, यहाँ पर से हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट स्मूथली रन नहीं करेगा गेम यहाँ पर लिखवा रहा है। बट कोई नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर से हाइपर सिलेक्ट कर दिया है और गाइस गेम स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस देखो अभी फिलहाल में मुझे इतना पता है कि जो भी ड्रॉर्स होंगे उनको हमें देखना है कि उसमें क्या चीज़ मिल सकती है, और मतलब सारी की सारी चीज़ें हमें ढूंढनी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में भाई गेम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर से मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले तो यार सेंसिटिविटी थोड़ी सी सही करते हैं, यहाँ पर यार थोड़ी सी कम लग रही है। भाई अगर ग्रैनी आती है ना अपने पास थोड़ा जल्दी भागने के लिए तो सेंसिटिविटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है यार इतनी सही है। मैं सबसे पहले ड्रॉर चेक करूंगा कि इसके अंदर मुझे क्या मिल सकता है। लीव दिस हाउस, वेट यार इसके अंदर तो मुझे कुछ मिला नहीं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है लीव दिस हाउस और इस ड्रॉर के अंदर भी कुछ नहीं यार, मतलब कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ पर कुछ या तो ये फ्लावर पॉट था जो कि मैंने उठा लिया, बट इसको यार हम लोग फेंक के मार सकते हैं क्या? वेट यहाँ पर ड्रॉप वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हम लोग इसे सिर्फ नीचे गिरा सकते हैं। तो मैं इसे बस इतना सब फेंक सकते हैं यार, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि हम लोग ग्रेनी को इससे मार सकें। और ये टेबल है जो कि शायद मैंने गलती से गिरा दिया है, बट वेट यहाँ पर तो ग्रेनी आने वाली नहीं है क्योंकि अपना रूम है। और नहीं वेट, ये यहाँ पर भी आ गई, यानी कि हमें एक सेकंड, हमें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है। जो भी चीज़ अगर हम लोग उठाते हैं तो उसे हमें ड्रॉप नहीं करना है। अगर ड्रॉप कर दिया तो भाई वहां से जल्द भाग लेना है। और यहां से गाइस हमारा डे टू स्टार्ट हो चुका है। वेट यहां पर से सबसे पहले तो भाई एक काम करेंगे, जितना भी सामान होगा ना ड्रॉप ऐसी जगह करेंगे जहां पर हमें मतलब जाना ही नहीं है। तो गाइस देखो अभी मैंने जो ये टेबल गिराई थी वो बिल्कुल सही करके रख के ग्रैनी चली गई है, और जो भी फ्लावर पॉट मैंने उठाया था और उसे ड्रॉप करा था वो अभी कभी यहीं है। और एक मिनट, ये बेड के नीचे यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है जिससे शायद हम लोग छुप भी सकते हैं। वेट यहाँ पर हम लोग ग्रैनी से बच भी सकते हैं, उसके लिए हमें मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोग आराम से छुप भी सकते हैं। जैसे ड्रॉर के अंदर तो नहीं यार, ड्रॉर के अंदर कहाँ से छुपेंगे, हम लोग बैठ के नीचे छुप सकते हैं। और भी देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वेट मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रैनी को नीचे की तरफ रहने देता हूँ, मैं सबसे पहले ही वाले रूम के अंदर जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई बड़ी ऐसी चीज़ मिल जाती है तो ठीक है। वेट यहाँ पर तो कहीं ग्रैनी नहीं है ना, एक मिनट, सामने की तरफ मुझे कुछ बॉक्स नज़र आ रहा है वाइट कलर का। सबसे पहले यार एक बार जाके चेक करता हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है। तो ड्रॉर पहले बाद में चेक करूँगा। कार बैटरी, यानी कि हम लोग कार से भी एस्केप कर सकते हैं। यहाँ पर कार भी होगी जिससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और ये दोनों ड्रॉर के अंदर कुछ भी नहीं मिला फिलहाल में। अभी यहाँ पर से देखें तो ग्रैनी तो नहीं आ रही। वेट यहाँ पर ग्रैनी आ रही है, इस बेड के नीचे मैं छुप सकता हूँ। वेट इनने मुझे देखा तो नहीं है ना। ओके गाइस इसने मुझे शायद देख लिया है, ये बेड के नीचे ना देखे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। बाकी अगर यहाँ से प्यार से चली जाए तो ओके ओके भाई भाई जा रही है जा रही है, इसे जाने दो। शायद इसने मुझे बेड के नीचे छुपते हुए नहीं देखा, अगर एक गलती से भी मुझे देख लेती तो भाई यहाँ पर से डे 3 लग चुका होता अभी तक। वेट चलो ठीक है यहाँ से गई है। सबसे पहले तो मैं इसे देखूँगा कि ये कौन से वाले रूम के अंदर गई है। रुको ओके ये शायद मेरे वाले रूम के अंदर जा रही है, इन्हें गेट तो नहीं ओपन करा है। बाकी मेरे को एक मिनट, ये सामने की तरफ एक दो ड्रॉर और देखने को मिल रही है, मैं एक मिनट चेक करता हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है। कटिंग पिलर्स ओके, बट इससे कट क्या कर सकते हैं? शायद मैं इससे जो भी यहाँ पर वायर होंगी उससे मैं कट कर सकता हूँ। वेट बट मैं इसे अभी उठाऊंगा नहीं वरना फिर मुझे इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये बॉक्सेस क्या लगे हुए हैं, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। रुको ओ एक मिनट, ये बॉक्सेस नीचे गिर रहे हैं, शायद इससे भी आवाज़ हो सकती है। बट मैं एक मिनट मैं सबसे पहले इसे तोड़ता हूँ और जल्दी से नीचे चलते हैं यार। पता नहीं क्या चीज़ थी यार, मतलब ये बॉक्स लगा रख, और एक मिनट यहाँ ट्रैप भी लगा रखा है। वेट यहाँ से ट्रैप से एक मिनट भाई बाहर निकलते हैं। वेट गाइस देखो यहाँ पर जितने भी, एक मिनट, ये सामने भी और बॉक्सेस लगे हुए हैं, शायद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे रूम्स हैं। या फिर भाई देखो मैं ग्राउंड के अंदर नीचे आ चुका हूँ, ये जगह मुझे पता भी नहीं है कहाँ पर थी, इनने बॉक्स लगा रखे थे और बीच में ट्रैप लगा रखा था जैसे ही मैं मतलब फंस जाऊँ किसी तरह से। यहाँ पर एक मिनट कुछ और भी चीज़ है, मैं इसे एक मिनट चेक कर सकता हूँ। रुको रुको मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आई नीड अ स्क्रू ड्राइवर। वेट इसको स्क्रू ड्राइवर से हम लोग ओपन कर सकते हैं, बट मेरे पास तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है ही नहीं। एक मिनट यहाँ पर भी एक और चीज़ जा रही है। वेट भाई यहाँ पर जाले वाले सारी चीज़ें लगी हुई है।
एक मिनट, मैं यहां पर से कहां पहुंचूंगा ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ओ भाई एक मिनट, ये बज गया, बहुत जोर से बजा है। मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये जगह चेक करनी पड़ेगी, हम लोग इस जगह पर कैसे आ सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं। रुको, सामने की तरफ गेट से हम लोग एस्केप कर सकते हैं। ओके, ये वही जगह है जहाँ से हम अपने रूम से नीचे उतरेंगे, तो जस्ट यहाँ पर एक और ग्राउंड वाली जगह है। वेट यार, मैंने ये वाली जो चीज़ है ना शायद गिरा दी है, तो यहाँ पर ग्रैनी कभी भी आ सकती है। वेट, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर भी तो कोई जगह है जाने की, तो सबसे पहले तो यार मुझे एक मिनट देखना। वेट, इसके नीचे भी ग्राउंड है यार, मतलब कितना ग्राउंड में नीचे जा रहा है। यहाँ पर ग्रैनी आ रही है, वेट यहाँ पर ग्रैनी आ रही है, भागो भागो भाई। ये रही कार, ये कार है ना, यहाँ पर से हम लोग स्केप कर सकते हैं। वेट, मैं इस कार को बाद में देखू। ओके गाइस, अभी फिलहाल में हम लोग जो है सेफ हैं, तो मैं अभी फिलहाल में बाहर निकल रहा हूँ और जो यहाँ पर कार पड़ी हुई है इसे जरा चेक कर लेते हैं, शायद ये स्टार्ट हो सकती है। वैसे गाइस इसके नीचे कुछ नहीं है और इसे ओपन करने के लिए हमें चाहिए होगी पैडलॉक की। सबसे पहले तो यार हमें कार को देखना पड़ेगा, और अगर हम लोग कार चला पाते हैं तो इस चीज़ को, मतलब एक तरह से जो शटर है इसे ओपन करने के लिए भी हमें पैडलॉक की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर हमें इंजन पार्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे मैं इस कार के अंदर बैठ भी सकता हूँ बट इसे स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके अंदर इंजन ही नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ पर गैसोलीन कैन पड़ा हुआ है, शायद हम लोग इस गैसोलीन कैन को अपनी कार के अंदर डाल सकते हैं। भाई मेरे को अभी जहाँ तक लग रहा है शायद गैस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। आई नीड अ सेफ की। वेट, ये बॉक्स भी ओपन हो सकता है। देखो मैंने जो है यहाँ पर से गलती से गैसोलीन कैन गिरा दिया है यहाँ पर। अभी जो है फिलहाल में देखो ग्रैनी आने वाली होगी, मैं भी देखो यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, शायद यहाँ अंदर की तरफ तो शायद ग्रैनी नहीं आ सकती है। और देखो इनने जो है ना सामने की तरफ में जैसी वो जाल सा गिराया, भाई एकदम जो है वो सही भी हो गया। रुको मैं एक मिनट बाहर निकलता हूँ। वेट, ये मैंने नहीं गिराया, रुको रुको भाई मैंने नहीं गिराया, ये खुद ही खुद गिरा है यार। ग्रैनी को पता चल गया है, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो उधर की साइड से वापसी आ जाएगी। रुको मैं एक मिनट बाहर निकलने की कोशिश। नहीं 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 वेट, मतलब मैं पीछे की तरफ जाता तो वहां से ग्रैनी मुझे पकड़ लेती, मैं आगे की तरफ जाता तो ग्रैनी फिर मुझे पकड़ लेती। अभी फिलहाल में देखो यार ये सब चीज हो चुकी है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ मैंने पूरा सब कुछ पता कर लिया कि मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे पैडलॉक की चाहिए और मुझे कुछ इंजन के पार्ट्स चाहिए जो कि हमें कार के अंदर लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी देखो कोई छोटी सी जगह और खुली हुई है जिसको शायद मैं ओपन कर सकता हूँ। सामने की तरफ से तो ओपन नहीं हो रहा है, मैं इधर की साइड से ओपन कर सकता हूँ ना। रुको एक मिनट। ओके भाई, इसने भी आवाज़ कर दी है, मैं भी फिलहाल में भाई उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ग्रैनी आ रही है। रुको वेट, ये पीछे से आ गई यार, इसने मुझे बताया भी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत म्यूजिक तो सुनाई दिया था इसलिए मैं छुप चुका हूँ शायद। नहीं नहीं वेट, इसने मुझे देख लिया था, मुझे इसके चलने की भी आवाज़ नहीं आई भाई, पता नहीं कहाँ से ऊपर की तरफ आ गई। चलो ठीक है, अभी फिलहाल में मेरे को एक बॉक्स भी मिल चुका है जहाँ पर हम लोग ऊपर की साइड में छुप सकते हैं। तो डे 4 स्टार्ट हो चुका है गाइस, अभी जो है फिलहाल में हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। बट देखो इसने कुछ ज़्यादा ही हमें मारा है, ओह भाई पूरी ब्लडी ब्लड हुआ पड़ा है। चलो अभी फिलहाल, ओ भाई एक मिनट, चला भी नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, ग्रैनी शायद अभी पता नहीं कहाँ पर होगी, तो अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ पर हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। वेट, सामने की तरफ एक रूम है, यहाँ पर एक डोर है जिसे हम लोग तोड़ भी सकते हैं, बट यहाँ पर रूम दे तो रखा है, हम लोग ईजिली जा सकते हैं। नहीं यार यहाँ पर ट्रैप था भाई, हर जगह पर ट्रैप ही ट्रैप लगे पड़े हैं। द लास्ट डे, यानी कि डे 5 हमारा लास्ट डे होने वाला है, और यहाँ पर से देखो ट्रैप की वजह से यार बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली हालत हुई पड़ी है। अभी फ़िलहाल में हम लोग ऊपर जा सकते हैं, और देखो ये अभी भी टूटा पड़ा है, तो एक मिनट मैं इसे नीचे देखने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे ग्रैनी ने देख लिया, मुझे आवाज़ आ रही है। रुको रुको, मुझे ग्रैनी ने भी देख लिया है, तो अभी देखो फिलहाल में यार वो तो ग्रैनी अभी ऊपर नहीं आई थी। इस रूम को हम ओपन कर सकते हैं बट यहाँ पर भी हमें स्पेशल की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्पेशल की भी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। और एक मिनट, मैं यहाँ पर इसे स्पेशल की से ही खोल सकता हूँ, और मुझे हैमर की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट रूम के अंदर जाने के लिए। बाकी एक अकेली यही चीज़ पड़ी है, इसके नीचे पता नहीं कौन सा रूम हो सकता है जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ मिल सकती है। तो फिलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ गाइस, अभी देखो मैं यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर आवाज़ भी कर दी है, तो ग्रहणी कभी भी आ सकती है। वेट, यहाँ पर ग्रहणी आ चुकी है, मैं यहाँ पर से भाग सकता हूँ क्या? और गाइस ये द लास्ट डे था हमारा जो कि कम्प्लीट हो चुका है। वैसे यार हम लोगों ने पूरी चीज़ें पता कर ली है कि हम लोग यहाँ पर से कैसे एस्केप कर सकते हैं। सामने की तरफ एक रूम है जिसके अंदर मैं ज़रूर से जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे अब क्या होने वाला है, शायद हमें एक डे तो नहीं मिलने वाला है। ओके यार, शायद हमारा गेम ओवर होने वाला है, और ग्रैनी हमें यहाँ से नीचे
फेंकने वाली है। ओके गाइस, यहाँ से यार कंप्लीट हमारा गेम ओवर। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ जल्दी से कमेंट करके बताना। बाकी गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा जो है स्केप करके बाहर निकलने ही वाला हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।